तो दिल से बुलाया कि मैं इसी क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। चैप्टर है हमारा दोस्त हेलो एरी। तो आज हम फुल एचडी में इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे दोस्त रिएक्शन क्या होता है। देखो इधर, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन। अब आता है सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मेरे लाइफ में एक गर्लफ्रेंड का आना और दूसरी गर्लफ्रेंड का जाना, इसको रिप्लेसमेंट और गर्लफ्रेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ग्रुप का आना और दूसरे ग्रुप का जाना, उसको रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप कहते हैं। और रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आता है इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रोफाइल होता है। जिसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब लव। तो जो इलेक्ट्रॉन से लव करेगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। और ट्रिक क्या था? लव प्यार और धोखा। तो लव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। प्यार का मतलब ये इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और धोखा का डी का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल। और लेविस एसिड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो ईएसआर का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बोलते हैं? ईएसआर। ठीक है, तो जब रिएक्शन का शुरुआत कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम दोस्त क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। यो क्या दोस्त? मेरा बेंजीन का रिंग। और बेंजीन में पाई बॉन्ड कितना होता है? तीन। और किस पोजीशन पे? अल्टरनेट पोजीशन पे। यो क्या? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। और ये क्या हो गया? पाई बॉन्ड। अब यहाँ बेंजीन के रिंग से कौन सा ग्रुप जुड़ गया? क्लोरो ग्रुप। और क्लोरो ग्रुप कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 17 का एलिमेंट। और ग्रुप 17 में रहने वाले एलिमेंट कौन कौन है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो आज हमने क्या यूज किए हैं? क्लोरीन। तो ग्रुप 17 में रहने वाले एलिमेंट के पास कितना लोन पेयर होता है? तीन लोन पेयर। यहाँ पर क्लोरीन के पास एक लोन पेयर दो लोन पेयर ये हो गया मेरा तीन लोन पेयर। अब देखो ये लोन पेयर है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग को दी। ठीक, अब जैसे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया बॉन्ड बना लिए। अच्छा देखना, अब इस कारण पर देखो दो बॉन्ड दो चार एक पांच बॉन्ड हो गया। पांच बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन बोलता है भाई हम तो अनस्टेबल हो गए, हमारे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, आज तो 10 हो गए। तब देखो क्या होता है, ये पाई बॉन्ड पे क्या करता है? तुरंत शिफ्ट कर जाता है। यहाँ देखो ये पाई बॉन्ड जैसे हटा, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दो बॉन्ड तीन बॉन्ड चार बॉन्ड हो गया। समझ रहे हैं कैसे कर रहे शिफ्टिंग शो? अब देखो मामला हो गया मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर सिंबल हो गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस एरो का नाम क्या है? डबल हेडेड एरो। अब देखो सबसे पहले बेंजीन का रिंग था तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना दी, ये बन गया मेरा बेंजीन का रिंग। ओके, अब यहाँ पाई बॉन्ड था तो यहाँ पाई बॉन्ड दे दिए, यहाँ पर पाई बॉन्ड था तो पाई बॉन्ड दे दिए। ओके, अब यहाँ क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और क्लोरो ग्रुप लगा दिया। जब ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आया तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, ये हो गया मेरा डबल बॉन्ड। ठीक, अब देखो एरो का टेल इस क्लोरीन के पास गया तो मुंडी पर कौन चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। यहाँ कौन चार्ज देंगे? प्लस चार्ज। ठीक, अब देखो यहाँ एरो का हेड इस कार्बन के पास आया, इस कार्बन के मुंडी पर आके माइनस अटैक किया तो प्लस, तो प्लस और माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल। अब हेड आया इस कार्बन के पास
यहाँ पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, तो एक नेगेटिव का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन। अब ये दो इलेक्ट्रॉन फिर दे दिया इस कार्बन, एक देखो यहाँ पे जैसे दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया। अब इस कार्बन के पास देखो दो बॉन्ड, दो चार बॉन्ड और एक पांच बॉन्ड, पांच बॉन्ड में आठ इलेक्ट्रॉन की दस इलेक्ट्रॉन, दस इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर दस इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कार्बन क्या हो गया अनस्टेबल, यहाँ से पाई बॉन्ड फिर उठकर यहाँ पर आ जाता है। अब देखो मामला यहाँ पर सबसे पहले क्लोज चेन था तो यहाँ पर क्लोज चेन बना दिए, यहाँ पर पाई बॉन्ड था तो यहाँ पर पाई बॉन्ड दे दिए ठीक। अब देखो यहाँ पे यहाँ पर डबल बॉन्ड सीएल प्लस था तो यहाँ पर लिख दिए डबल बॉन्ड सीएल प्लस। अब देखो एरो का टेल किया था प्लस चार, प्लस माइनस क्या हो गया न्यूट्रल एक। अब देखो यहाँ एरो का हेड किया माइनस, यहाँ टेल किया प्लस, तो इस कार्बन के पास प्लस माइनस क्या हो गया न्यूट्रल। अब एरो का हेड इस कार्बन के पास आया तो इस कार्बन के मुंडी पर क्या आ गया माइनस चार। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया यहाँ क्या बना दिया डबल बॉन्ड, एक नेगेटिव में कितना इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन बगल वाला कार्बन के पास चल गए ठीक। अब इस कार्बन के पास जैसे गया तो दो इलेक्ट्रॉन आए थे यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और एक दो दो चार एक क्या हो गया पांच बॉन्ड, यहाँ से पांच बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया दस इलेक्ट्रॉन, तो फिर से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया यहाँ पर ओके। अब देखो मामला क्लोज चेन था तो यहाँ पर बना दिए हम लोग क्लोज चेन, ये हो गया मेरा क्लोज चेन, यहाँ पर ये हो गया मेरा क्लोज चेन। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड लिख दिए, यहाँ डबल बॉन्ड और सीएल प्लस था तो डबल बॉन्ड सीएल प्लस लिख दिए। अब देखो यहाँ माइनस यहाँ टेल गया था, टेल का मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया न्यूट्रल ओके, यहाँ पर क्या गया मेरा न्यूट्रल। अब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया यहाँ क्या बना लिया डबल बॉन्ड। अब देखो एरो का हेड गया माइनस और एरो का टेल गया प्लस, तो ये प्लस और माइनस क्या हो गया न्यूट्रल ओके, यहाँ प्लस माइनस हो गया न्यूट्रल। अब देखो मामला ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया यहाँ क्या बना दिया डबल बॉन्ड ओके, यहाँ क्या बना दिया दोस्त डबल बॉन्ड। अब देखो मामला क्या होता है, सबसे पहले देखो एरो का हेड यहाँ गया यहाँ क्या आ गया माइनस चार, तो एक माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ मामला क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन फिर इस कार्बन के पास गया यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया, यानी देखो इन्हें ये दो बॉन्ड दो चार बॉन्ड और एक पांच बॉन्ड, पांच बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया दस, तो फिर से ये पाई बॉन्ड क्या कर गया शिफ्ट कर गया, यहाँ पर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब क्लोज चेन था यहाँ पर बना दिए क्लोज चेन। अब देखो यहाँ छेड़छाड़ कुछ नहीं किए तो डबल था डबल दे दिए, यहाँ डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड ले लिए ठीक। अब एरो का टेल गया तो आ गया प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया न्यूट्रल। अब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया यहाँ क्या बना लिया डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड खत्म हो चुका तो बचे क्या सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। अब सीएल था तो सीएल लिख दिए, प्लस था एरो का हेड गया माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो गया खत्म। अब देखो अभी पाई बॉन्ड यहाँ था अभी यहाँ आ गया यहाँ पे, मतलब देखो पाई बॉन्ड अभी क्लॉकवाइज स्पिन में गए थे अभी क्या आ गया एंटी क्लॉकवाइज में, तो एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाना उसी को क्या बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को किसे दिखाते हैं डबल हेडेड एरो से। अब बताओ उनको यहाँ पर कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पांच, इसलिए बोला जाता है कि क्लोरोबेंजीन के ईएसआर में टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पांच बनता। अब देखो यहाँ पर माइनस चार एक बार ऑर्थो पर आया, एक बार माइनस चार यहाँ पैरा पे आया, फिर एक बार माइनस चार कहाँ पे आया ऑर्थो पे आया, तो क्लोरोबेंजीन हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा ठीक। अब बेंजीन जुड़ा हुआ क्लोरो के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने की वजह से
या मेरा प्लस सेम इफेक्ट शो करेगा। ठीक, देखो इस तरह हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का 5 रिलेटेड स्ट्रक्चर खत्म हुआ।